अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल तो कर ही रहे होंगे। हासिल करना मीन्स ये नहीं होता है कि फिर मतलब कुछ पा लेना, हासिल करना ये भी होता है कि तालीम हासिल करना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना। हासिल मतलब पा ही लेना नहीं होता, मतलब जो चल रहा है, जो अभी कर रहे हो, हासिल कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। सो कैसे हो? जुम्मा बहुत अच्छे से गया होगा। अभी बजे हैं समथिंग अड़ी बजे यस। तो खाना तो वैसे मेरा बहुत जल्दी हो गया क्योंकि जुम्मा के दिन वैसे भी मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर सूरह काफ, सूरह जुम्मा वक्त पे हो जाए ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर वो क्या होता है, खाने के बाद दोपहर में आप पढ़ने बैठोगे तो वो नींद आती है, दाल चावल खाते हो मोस्ट ऑफ। जो फ्राइडे के दिन हम क्या खाते हैं, मोस्ट ऑफ दाल चावल खाते हो, नींद आती है, दैट्स वाई फिर लोग सो जाते हैं, पढ़ना हो नहीं पाता, इसलिए फिर मॉर्निंग में बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है। सो कैसे हो? वैसे तो जुम्मा है तो मैं कुछ ना बताऊँ, मतलब तालीम ना करूँ, जिक्र ना करूँ, अल्लाह की बात ना बताऊँ, तो ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा मैं होने नहीं दूँगी, है ना। शायद आवाज़ बहुत आ रहा है इसका ही आ रहा है ना। तो आज एक किस्सा है फ़ज़ाइल आमाल का, बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले तो यहाँ पर रेड बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड एंड तक देखना कि नमाज़ बद्दुआ देती है या दुआ देती है, कौन सी नमाज़ दुआ देती है और कौन सी नमाज़ आपको बद्दुआ देती है, ये आज आपको पता चलेगा। अभी आप सोचोगे नमाज भी बद्दुआ देती है, यस। अभी आप कहोगे कि नमाज भी दुआ देती है, यस। अभी ग्रेसी ऊपर चढ़ गई है, मतलब सीरियसली मेरे को वीडियो शूट करना है या नहीं करना है बाबा? ये देखो इसका पैर दिख रहा है आपको, मतलब बस ये देखो, ये बात इसका करती है ऐसे, देखा, मतलब मेरे को बहुत हैरान करती। देखो बताऊँ आप सबको, ये सब फेंक दिया, वाओ। अब मत आना। हम अपना किस्सा स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वो हैरान करती रहती है पूरा दिन। कामिल नमाज गुनाहों से पाक साफ कर देती है, कामिल नमाज आप ये समझो कि अच्छी नमाज, कामिल मतलब अच्छा समझो, आप ऐसा समझो कि बहुत अच्छी नमाज है ना। अभी बैठ गई जाके ओके सो बिस्मिल्लाह। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स नमाज को अपने वक्त पर पढ़े, यानी कि अल्लाह मानी नमाज, यानी कि अज़ान हो और नमाज पढ़ने चला जाए, वुज़ू भी अच्छी तरह करे, मतलब जल्दबाजी में ना करे, अच्छी तरह मतलब अच्छे से वुज़ू करे, तीन तीन बार अच्छे से याद से, खुशुआ व खुजुआ से भी पढ़े, खड़ा भी पूरे वक़ार से हो, फिर इसी तरह रुकू सजदा भी अच्छी तरह इत्मीनान से करे, इत्मीनान से मतलब बहुत सुकून के साथ चार पांच मरतबा पढ़े, सुभान रब्बी लाला, तीन बार पढ़ के ना उठ जाए, अच्छे से पढ़े चार पांच मरतबा। गर्ज हर चीज़ को अच्छी तरह अदा करे तो वह नमाज निहायत रोशन चमकदार बन जाती है। अगर आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करते हो तो वो नमाज़ क्या बन जाती है, रोशन चमकदार बन जाती है। और नमाजी को दुआ देती है, नमाजी को क्या दुआ देती है, अल्लाह ताला सानू तेरी भी और ऐसी ही हिफाजत करे जैसी तूने मेरी हिफाजत की। और जो शख्स नमाज को बुरी तरह पढ़े, यानी कि वुज़ू भी अच्छी तरह ना करे, यानी कि वक्त पे भी ना पढ़े, यानी कि अज़ान हो जाए उसके बहुत वक्त के बाद, यानी 15-20 मिनट नमाज रकात खड़ी हो जाए मस्जिद में, उसके बाद वो नमाज में पहुँचे और वुज़ू भी जल्दबाजी में फटाफट करके रकात छूट ना जाए, ये चक्कर में जल्दी फटाफट मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, तो वैसी नमाज नमाजी को यानी कि वो इंसान को बद्दुआ देती है। क्या बद्दुआ देती है कि अल्लाह ताला तुझे भी ऐसा ही बर्बाद करे जैसा तूने मुझे जाए किया, उसके बाद वह नमाज पुराने कपड़े की तरह से लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। अब आप सोच लो कि हमारी नमाज कैसी है, अब आप ये सोच लो कि हमारी नमाज कैसी है ना।
हमारी टूटी फूटी नमाज है, पता है, बहुत टूटी फूटी। हम वुजू इतने गंदे तरीके से करते हैं, वुजू करते वक्त कुछ ना पढ़ो ना सही, पहला कलीमा पढ़ो। वुजू करो, अच्छे से करो, पानी अच्छे से जाए, देखो कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग, नमाज पढ़े जब, तब जो ख्यालात दिल मगज में आते, वो ख्यालात आने के बाद अगर वो ख्याल घुस जाता है ना ब्रेन में, कोई भी ख्याल कि मुझे बाजार में जाना, ये कपड़े खरीदना था, तो वो कपड़े का सदका देना पड़ेगा, ये ख्याल जो मगज में आ गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। हम तो वैसे, मैं एक बात बता दूं, हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमारी नमाजें इतनी अच्छी नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी हमारी नमाज है बहुत टूटी फूटी है। आपकी अम्मी पीछे बात कर रहे होंगे, आप नमाज पढ़ रहे होंगे, आपको वो पूरा कान में सुनाई देगा, आपको डिस्टरबेंस भी होगा, आप डिस्टरबेंस खुद पैदा कर लोगे। अगर जब आपका ध्यान अच्छे से नमाज में, अगर जब आपका ध्यान बहुत अच्छे से नमाज में हो, तो आप लोग कितना भी गाना बजा ले, लोग कितनी भी बातें कर ले, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो नमाज भी बद्दुआ देती है और नमाज दुआ भी देती है। वुजू अच्छी तरह से करें, खड़े होकर नमाज पढ़े, और थर्ड थिंग, नमाज में ध्यान अच्छे से होना चाहिए, और फोर्थ थिंग, आराम से इत्मीनान से नमाज पढ़े। एंड नमाज पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से अल्लाह ताला के आगे हाथ खड़े करके मांगे। हमारे हाथ खड़े नहीं होते, हम बस ऐसे हाथ खड़े ना हो सजदों में जाओ। अल्लाह को अपने बंदों का सजदों में दुआ मांगना बहुत पसंद है। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे। आज जुम्मा की बरकत से अल्लाह हम सारे मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह हमारे माँ बाप को बहुत बहुत सुख सुख शांति के साथ रखे दुनिया में, क्योंकि माँ बाप को सुख शांति नहीं मिलती, उनको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उनके बच्चे जब तक सेट नहीं होते, उनके बच्चे जब तक अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ना ले, माँ बाप को बहुत टेंशन होता है। मेरी अम्मी की बात बताओ ना, उनको बहुत फिक्र है कि मैं कब बाहर जाऊंगी, मेरा बाहर जाना कब होगा, मैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा कब जाऊंगी, मैं अपना फ्यूचर कब सेट करूंगी, ज़िंदगी में कोई लड़का अगर मुझे मिला तो क्या वो मेरी तरह होगा या नहीं होगा। बट मैं एक बात बोलती हूँ कि जिनके जिनके जिन जिनके दिल अच्छे होते हैं ना, उनके साथ सब अच्छा होता है, आखिर एट दी एंड अच्छा होता है भले ही, लेकिन होता है। एंड मेरी अम्मी मेरे लिए, सच्ची बताऊं तो दुनिया में ही जन्नत है, दुनिया में भी मेरी अम्मी मेरे लिए जन्नत है। अल्लाह हम सबको जुम्मा की बरकत से सही नमाज पढ़ने का मतलब हिदायत दे कि हम सही नमाज पढ़े, हम सही से वुजू करें, वरना हमारी नमाज हमको बद्दुआ देगी, याद रखिएगा, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो ये व्लॉग शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये बारे में पता है कि नमाज़ बद्दुआ भी देती है। तो उम्मीद करती हूँ दिल से कि आप लोगों को जितना नॉलेज दीन इस्लाम के बारे में मिलता है, आप लोग भी बांटोगे, तो आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, और आपको भी ये जो नेट रिचार्ज कराया है, ये कराया है, उसका कुछ तो मतलब हम उससे भी हम कुछ सवाब कमा सकते हैं ना। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, एंड एक नए किस्से के साथ, जो हमको दीन और दीन के रास्ते पर, इस्लाम के रास्ते पर ऐसे ले जाए कि हम थोड़े से ही जन्नत के हकदार बन जाए, है ना। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।